अस्सलामुअलैकुम अली भाई। अली वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाई क्या हाल है? बस ठीक ठाक। अली भाई क्या बनाने लगे हैं आज? आज मैं चरखा बना रहा उसी तरह का जी लेकिन गल है कि वो पाकिस्तान एक दो दोस्त कहते हैं कि पता जी अभी चरखा बनाने हैं दुकान से तुहाडे चरखे जाए जाते जो मच्छी खा रहे हैं। अच्छा जी, तो वह असर बेहतरीन बाकी तो सारा कुछ उस तरह ही है। तुम पहली वीडियो दसिया होया जी, ठीक है जी। ए चार चरगे सन, चार किलो दे, किलो किलो दे चरगे। माशाल्लाह जी, ठीक हो गया। मतलब उल्टे रखे ने कदा पानी पूरी खुशक हो जाए जी, ठीक हो गया, ठीक है जी। माशाल्लाह ये चार चरगे ने जी, ते इन्हां नूं जनाब साहब ओ ही लाया वे, ठीक है जी। भर के चार चम्मच जिहड़े ने अठ चम्मच लाए ने इन्हां नूं। क्या यानी कि खाने वाले अठ चम्मच नमक दे लाए ने जी, ठीक है जी। 100 ग्राम इनू लाया वे सिरका जी, ठीक है। एक छटांग इनू लाया वे अपना लसन, लसन ठीक कुट के पानी दे विच जिहड़ा ना जी, इनू लाता सी घंटा डेढ़ पिया रहा जी, ठीक कढ दिता पानी जो खुशक हो गया, थोड़ा सारा रहिंदा खुशक हवा नाल हो जाएगा। क्या क्या भाई डाला था ये पानी के अंदर? सिर्फ पानी च पाना ना, तुसी सिर्फ पानी अरे इत्थे इत्थे तक होवे बस जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाल टच होए इना ना डबोना सारेया नू जी, ठीक हो गया। ओदे विच तुसी जिहड़ा ना चार अठ चम्मच खाने वाले पाने नमक के, हाँ जी भर के जी, ठीक हो गया। उस तो बाद तुसी नाल पाना वे 100 ग्राम तुसी पा देना वे सिरका, सिरका ठीक हो गया जी। ते 50 ग्राम लसन, लसन डाल देना इसके अंदर, पानी के अंदर मिक्स कर देना सब कुछ। तुसी 4 किलो दे विच जी, ठीक हो। 5 किलो दी रेसिपी है, तुसी 4 किलो च उन्ना पा सकदे जी, ठीक हो गया। नमक मैं 4 किलो दे पा रहा जी, ठीक हो गया। ओ जनाब तुसी इनू रख देना घंटा डेढ़ जी, ठीक हो। बाल काट के देनु खुशक हो, बाद में आपने इसको चिकन को पानी से बाहर निकाल के खुश कर लेना, खुश करना, ठीक हो गया। ये रेसिपी है ये जी। आधा किलो दही, आधा किलो दही डाला आपने इसमें, आधा किलो दही है। हुन मछली दा जायका किस तरह है जी? अजवाइन पानी है कुट के, ठीक हो गया। 4 किलो जी, 1 चम्मच अजवाइन लेनी है, उन्हें कुटना है जी, ठीक हो गया। 4 किलो विच पानी, ठीक हो गया। एक दूसरे नंबर दे उत्ते 100 ग्राम डेढ़ अपना तकरीबन 100 ग्राम लहसुन जेड़ा ना जी, तुसी कुट के दो तुरियां यानी कि तुसी ले लो वड्डियां जी, ठीक हो। उन्हें छिल के चंगी तरह कुट के अरे पा देनी है जी, लहसुन ते अजवाइन वेल च पानी है। बाकी ते तुहानू पता ही अमचूर भी पाया रे जी, ठीक है। वो पहली रेसिपी भी तुम दसिया गया जी, 4 चम्मच अरे सिरका पाया वे, 2 चम्मच अरे नींबू पाया वे, ठीक है। उस तो बाद 1 चम्मच अरे चाट मसाले का पाया जी, 1 चम्मच अरे भर के मछली मसाले का पाया, 2 चम्मच अरे चरगे के पाए ने, ठीक है। 1 चम्मच अद्धा चम्मच अरे अंब चूर का पाया जी, ठीक है। मैं वही आपसे पूछने लगा था अली भाई, कई दुकानदार फिर लांदे ने ना, मैं जी ये कलर बड़ा डिफरेंस है, मैं कह तेरा डिफरेंट कलर बनाइए ना आज जी, कलर बहुत डिफरेंस है, सारे चलदा ना। अच्छा जी, ये पिंकिश शेड आ रहा है, पिंक डार्क पिंक। असि इनू ला के ते इनू फ्रिज च रख देंगे ते कल फिर इनू उसे तरह ही स्टीम करना जिस तरह पहले करीदा जी, ठीक है। स्टीम करके उस तो बाद ठंडा करके बाहर कढ़ के ठंडा हो जाए, जिस तरह फ्राई कर लेना, ठीक हो गया। ये मसाले वाली भाई ने आपको सारे स्टीम मेनू जरा ना और याद रखियो, स्टीम मेनू जिस तरह जाल च रखना है ना थले जी, और ये सौंफ अजवाइन दालचीनी लौंग छोटी इलायची तेज पत्ता संदर बूरा जी सूखा धनिया जीरा, ठीक है। सारिया चीजा थोड़ी थोड़ी पानिया ने पानी के जी थोड़ी थोड़ी पानी के पा देनिया ने जी, फिर इनू रखना सारे चरगे नु लाना, तो फिर तुसी टाइम पौने घंटे का गिनना, ठीक हो गया। पौने घंटे बाद हड्डी छड़ जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगला अगर तुसी लाना चाहते पूरे नहीं आते फिर अद्धा घंटा, क्योंकि पानी गर्म होता है टाइम पूरा होता, टाइम पूरा। उस तो बाद जिसलै ठंडा हो जाए बिल्कुल जी, बिल्कुल ठंडा हो जाए फिर तुसी इनू जरा फ्राई करना, ठीक 5-6 मिनट बस, ठीक हो गया। फुल तेल, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अली भाई जी, ए मसाला बड़ी तैयार ना ला रहे हैं, क्योंकि मुंडा सी उन्हें नहीं सी पता है किस तरह चरगे नु कटना है। अच्छा, तो मैं फिर जरा ना वो आप ही हूँ तैयार ना ला रहे, क्योंकि उन्हें अरे जरे ने ना लेग तोड़ दिए हैं, तोड़ दी थे। ओहो, लेकिन चलो कोई चलो नहीं, कोई नहीं, असी तो फिर पता मैनेज कर लेना होंगे ना, नॉर्मल बंदे को नहीं होंगे जी, ठीक है। अच्छा, इसे मसाला लगा के भाई कम से कम कितनी देर रखना चाहिए? 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे आपने ये मसाला लगा कर रखना है। नहीं तो तुसी भावे राती ला दियो तो सवेरे स्टीम ते चढ़ा दियो, ठीक हो, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, मसाला लगता देख रहे हैं दोस्त, अली भाई बड़ी तसल्ली से मसाला लगा रहे हैं। अच्छा, इसी के अंदर रखी जाए? आहो यार, अंदर ही रखी जाओगे ना ताकि मसाला बाहर जाया ना हो। बिल्कुल,
जबरदस्त जो मैं टक लाए ने ना इन्हों के भरना है जी, मसाले ठीक है अच्छे से उंगलियों के साथ ही इन्होंने टक्कों के भरना जो जो लाए। क्या बात है, क्या बात है अली भाई आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो जब कल फ्राई होगा ना मज़ा तो फिर आएगा अली भाई। पहले स्टीम होगा बाद में फ्राई होगा, क्या बात है। आज हमने वली को अंदर कैद किया हुआ है, वली ने शोर पाया तो वली ने रोना डाला हुआ है। वली कहता है मुझे बाहर निकालो ताकि मैं आपकी चीज़ें धर्म भरम कर दूँ। बड़ी एहतियात ना रस्सी चलाना क्योंकि है जरा ना बड़े तरीके से आपको ये फ्राई करना पड़ना। जी ठीक हो गया माशाल्लाह। ਬਰੋਸਟ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ ਐਂਡ ਚਿਕਨ ਲੈ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਭੋਲਾ ਚਮਨ ਚਰਗੇ ਵਾਲੇ, ਚਮਨ ਚਰਗੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਚੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿੱਕੇ ਗਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਿੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਚਰਗੇ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਚਾ ਭੋਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਚ ਘਾਟ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਾਚੇ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਨ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਰੋਸਟ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੋਸਟ ਦਾ ਬੋਇਲਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਇਲਰ ਕੇ ਬਗੈਰ ਬਰੋਸਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਪੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਰਾ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੀ ਭਿੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਓਕੇ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਾ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲਾ ਤਾਂ ਲਾਈਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰਿਜ ਫ੍ਰਿਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਟੀਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੌਂਗ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਜਵੈਣ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਜੀਰਾ ਬਾਦ ਅਖਤਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਦਰ ਬੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਡੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹ ਵਧੀ ਵੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗਾ ਮੁਰਗਾ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਈ ਸਟੀਮ ਦੇ 45 ਮਿੰਟ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੀਮ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 45 ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੋਰ ਅਗਲਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਗਰਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੋ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਉਂਝ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸਟੀਮ 'ਚ ਨਿਕਾਲ ਦੇ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਰੁਪਈਆਂ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, 3-4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੋ, ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਰਿੱਜ ਫਰਿੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੈ ਛੋਟੀ 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 ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਲਟਾਣਾ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਹੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਲਟਾਣਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ,
जी जी भाई आए हुए हैं, जिशान भाई आए हुए हैं, मामू जैद आए हुए हैं माशाल्लाह जी। थोड़ा जहा जी फिर ये रेडी हो गया निकालने लगे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें जी इसका कमर तोड़ा हुआ था लेकिन अली भाई ने इसे फिर भी मैनेज कर लिया माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक हो गया जी अली भाई जबरदस्त हो गया माशाल्लाह जी ठीक हो गया अली भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम।